हम स्मार्टफोन और टैबलेट की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई, रिसर्च, चैटिंग और मैच वगैरह देखना। लेकिन अगर आप ध्यान ना दें तो आपको फोन की लत लग सकती है, शायद इसके बिना आप बेचैन होने लगें। ये नशा आपसे बहुत कुछ छीन सकता है, आपकी नौकरी, आपके दोस्त और आपकी जिंदगी भी। क्या आप भी फोन से चिपके रहते हैं? बाइबल कहती है, ज्यादा अहमियत रखने वाली बातों को पहचानो। खुद से पूछिए, जब मेरा फोन बंद हो जाता है तो क्या मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ? क्या मैं दिन रात अपने फोन या टैबलेट पर लगा रहता हूँ? क्या मुझे आधी रात को भी मैसेज देखने की बीमारी है? क्या मैं फोन और टैबलेट में इतना डूब जाता हूँ कि मेरे घर वाले मुझसे बात करने के लिए तरस जाते हैं? अगर आपने किसी एक सवाल का भी जवाब हाँ में दिया है तो घबराइए मत, आपकी ये लत छूट सकती है। पहले से सोचिए कि आप कितनी देर फोन इस्तेमाल करेंगे और टाइम होते ही बंद कर दीजिए। गाड़ी चलाते वक्त फोन अपनी नजरों से दूर रखिए। खाना खाते वक्त अपने अपने फोन अलग रख दीजिए और जो भी उसे पहले उठाएगा वो बर्तन मांजेगा। एक दिन बिना फोन के जी के देखिए। सोने से पहले अपना फोन बंद कर दीजिए, आप चैन से सो पाएंगे। बाइबल कहती है, एक से भले दो। तो ये लत छोड़ने के लिए किसी अपने की मदद लीजिए। पहला कुरिन्थियों 9:25 में बाइबल कहती है, हर बात में संयम रखो। तो क्यों ना अपने फोन को थोड़ा आराम दें? फोन के बिना भी आप दूसरों से जुड़े रह सकते हैं। आजमा के तो देखिए, आप ज्यादा खुश रहेंगे।